गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई जोर शोर से कर रहे होंगे। हाँ, स्टडी कर रहे हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट अभी तक हमने जो स्टडी किया है उसको रिवाइज करने के लिए आई बटन को क्लिक करें। आज हम वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, आज हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ने वाले हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, 101% हमारा न्यूमेरिकल इसमें आएगा ही आएगा। सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे इसमें से राउंड ऑफ करना, और हम पढ़ेंगे एक्यूरेसी क्या है और प्रिसीजन क्या है। तो चलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर की तरफ। सिग्निफिकेंट फिगर हम फाइंड करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, जब हम लिखते हैं तो वो एक डिजिट में लिखा जाता है, उसके अंदर हम बात करते हैं तो वहां से हम काउंटिंग करके बताते हैं कि इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा। सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करने के लिए कुछ रूल हैं, वो रूल तो आपको बुक्स में मिल जाएंगे। एक डेफिनेशन है जिसकी हम बात करते हैं, ये डेफिनेशन हमारी कुछ इस तरीके से है। सिग्निफिकेंट फिगर आर नॉर्मली दो डिजिट्स इन ए मेजरमेंट क्वांटिटी विच हैव कॉन्फिडेंस इन अवर मेजरमेंट प्लस वन एडिशनल डिजिट दैट इज अनसर्टेन। इसको पढ़ने के बाद हमें कुछ समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम कुछ एग्जाम्पल के साथ हमें देखते हैं कि हमें जो है मेजरमेंट में से सिग्निफिकेंट फिगर कैसे फाइंड करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर कैसे फाइंड करेंगे। स्टूडेंट, सिग्निफिकेंट फाइंड करने के लिए 7 रूल्स हैं, ये रूल्स आपको बुक्स में मिल जाएंगे, हमारे डिस्क्रिप्शन में नोट्स में मिल जाएंगे। इनको याद करने का बहुत बड़ा कोई लॉजिक नहीं है कि ये एग्जाम में लिखने के लिए नहीं आते, लेकिन हाँ सभी को ध्यान से पढ़ना है और इस्तेमाल कैसे करना है तो मैं आपको बताऊंगा कि ये यूज कैसे करने है। तो यूज करने का इजी मेथड देखते हैं। देखिए, कोई भी अगर मैं नंबर लिखता हूं तो उस नंबर को लिखने के लिए मेरे को चाहिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही डिजिट चाहिए। तो मुझे देखना है कि सिग्निफिकेंट क्या होंगे। तो एक चीज आप एकदम से ध्यान रखिएगा कि ये जितने भी आपके पास ये वाले नंबर हैं, ये नंबर सभी आपके सिग्निफिकेंट होंगे, ये सब सिग्निफिकेंट होंगे। सिर्फ झगड़ा सिर्फ आपका जीरो का है, जीरो को देखना है कि जीरो कैसे रहेगा। अब जीरो के ऊपर बात करते हैं, तो जीरो में हम बात करते हैं अगर जीरो हमारा ट्रैप्ड हो जाता है। ट्रैप्ड होने का मतलब है कि आपका दो डिजिट के इन नंबर के बीच में आपका जीरो आ गया, जैसे एग्जांपल हमारे पास यहां है, तो ये जो है जीरो आपका सिग्निफिकेंट होगा। तो ट्रैप जीरो जो है वो आपका सिग्निफिकेंट होगा। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो मेरा सिग्निफिकेंट नंबर कितना होगा, यहां पर मेरा सिग्निफिकेंट नंबर होगा 4। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो हमारे पास लीडिंग जीरो होता है, लीडिंग जीरो का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में आने वाले जीरो, लेफ्ट हैंड साइड में आने वाले जीरो कभी भी आपके जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो देखिए, जैसे हमारे पास यहाँ पर लेफ्ट में आने वाले जीरो हैं, तो ये जो है आपका नहीं होगा। एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं, 0042, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट मुझे मिलेंगे 2। ठीक है, तो ये लीडिंग जीरो का एग्जाम्पल हमारा आ गया। फिर आता है ट्रायलिंग जीरो। ट्रायलिंग जीरो वो होती हैं जो कि आपकी राइट हैंड साइड में हो। तो राइट हैंड साइड में आने वाली जीरो के दो केस होंगे, एक वो होंगे जो आपके पास में डेसिमल के साथ होंगे, एक वो होंगे जिस नंबर में डेसिमल नहीं होगा। अगर डेसिमल के साथ आते हैं तो जो आपका ट्रायलिंग जीरो है वो आपका सिग्निफिकेंट होगा, लेकिन अगर आपका डेसिमल नहीं आया हुआ है तो ये आपका सिग्निफिकेंट नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि इसमें किस तरीके से बात कर रहे हैं। यहां देखिए, यहां पर जो हमारे पास है इस नंबर की बात करते हैं, इस नंबर में हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगी वो होंगी 2। अब यहां पर एक चीज और है, मैंने यहां पर 2 इसको बना करके समझाया हुआ है, स्पेशल केस है ये कि ये अगर मेरा ऐसा लिखा हुआ तो इसको बोलते हैं कि हमारा डिजिट है, और ये अगर लिखा हुआ तो इसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें आपका नंबर भी है और इसमें आपकी यूनिट भी है। अगर यूनिट भी लगी हुई है तब आपका जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो 4 होगा, यानी कि विदाउट डेसिमल ट्रायलिंग भी 0 हो जाएंगे, वो आपके काउंट होंगे अगर वो यूनिट लिखा हुआ है तो। अगर यूनिट नहीं लिखा हुआ है तो इनको हमें काउंट करने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान रखिए कि विदाउट डेसिमल राइट हैंड साइड में जो आपके पास जीरो होते हैं नॉर्मली वो आपके सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, लेकिन अगर यूनिट लग जाए तो फिर वो आपके सिग्निफिकेंट होते हैं।
तो देखते हैं हम इन डिजिट्स के बारे में, इन डिजिट्स में से देखेंगे कि हमारे सिग्निफिकेंट क्या है। तो पहले नंबर को हम देखते हैं, पहले नंबर में हमारा जो कैटेगरी है उसमें आप देखिए ये वाली कैटेगरी है जिसमें सारे के सारे नंबर हैं, जीरो का कोई रोल नहीं है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इसमें जो हमारा सिग्निफिकेंट नंबर होगा वो होगा 4। तो 4 सिग्निफिकेंट होगा, डेसिमल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी लगा हो कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड वाला केस देखिए, सेकंड वाला केस जो है ये आपके पास में दोनों आप देख रहे हैं, तो ये तो ये इस नंबर के अंदर आते हैं, तो ये तो हमारे पास सिग्निफिकेंट है ही, जीरो का प्रॉब्लम है। अब जीरो किस केस में आ गया, जीरो हमारा आ गया ट्रैप वाले में, तो ये भी आपका सिग्निफिकेंट होगा। तो सिग्निफिकेंट हुआ तो यहाँ पे कितने हमारे सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास जो है ये आपके ट्रायलिंग जीरो लगी हुई है। अब ट्रायलिंग जीरो जो है ये आपके पास डेसिमल नहीं है, तो डेसिमल नहीं है तो ये विदाउट डेसिमल जो है ये सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, तो ये आपके पास सिग्निफिकेंट नहीं है, तो ये इसमें आपके पास 2 होंगे। यहां पर देखिए ये आपका लीडिंग जीरो आ रही है, लीडिंग जीरो लेफ्ट हैंड साइड में, लीडिंग जीरो कभी भी आपके सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, तो ये आपके पास 2 सिग्निफिकेंट कहेंगे। यहां पर देखिए ये आपके पास ट्रायलिंग है लेकिन डेसिमल लगा हुआ है, और डेसिमल लगा हुआ है तो आपके पास में ये सिग्निफिकेंट होगा, तो इसमें ये सिग्निफिकेंट होगा, तो ये आपके पास होंगे 4 सिग्निफिकेंट। आते इस वाले नंबर के ऊपर, यहां पर देख रहे हैं हमारे पास 10 की पावर है, तो 10 की पावर के ऊपर आपने बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना 10 की पावर कुछ भी हो, क्योंकि ये कभी भी आपका जो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगा। तो सिग्निफिकेंट में जो काउंट होगा वो सिर्फ इसमें होगा, और इसमें वही रूल लग रहे होंगे जो पहले से लगा रहे हैं। देखिए यहाँ पे लीडिंग जीरो है, लीडिंग जीरो ये काउंट नहीं होंगी, और वैसे भी आप देखेंगे डेसिमल के लेफ्ट में जो जीरो है वो सिर्फ इसलिए लगाई गई है कि ये डेसिमल हमारा मिस ना हो जाए। तो हमारे पास इसमें जो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर होंगी दीज आर 4, तो इसमें हमारे सिग्निफिकेंट 4 होंगी। यहां पर देखिए ये भी आपके पास लीडिंग वाला केस है, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जीरो है, ये आपके पास सिग्निफिकेंट नहीं होंगी, तो हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट होंगी इसके अंदर में। तो हम देखते हैं और कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके। अब हम बात करते हैं इन क्वेश्चंस की, इसमें देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। तो सबसे पहले नंबर को हम देखते हैं कि सबसे पहला नंबर हमारे पास दिया हुआ है और ये डेसिमल के साथ में है और इसमें जीरो भी है, तो हमारा क्या है कि लास्ट में जाकर के जीरो है, इनकी ट्रेलिंग जीरो है, तो ट्रेलिंग जीरो इस केस में आएगा, और ये डेसिमल के साथ है और ये सब के सब आपके जो है सिग्निफिकेंट होंगे। तो यहां पर कितना सिग्निफिकेंट होगा, यहां पर होगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर। बात करते हैं इसके सेकंड वाले क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, अब सेकंड वाला क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में आपके जीरो है, ये आपका कहां पर गया, ये गया यहां पर, ये आपके लीडिंग है, और लीडिंग जीरो कभी भी आपके सिग्निफिकेंट नहीं होते, तो यहां पे क्या बचा, ये आपके पास सिर्फ एक डिजिट बची जो कि 9 है, तो यहां पर आपका सिग्निफिकेंट होगा 1। यहां पर आ जाते हैं, इस केस में बात करते हैं, यहां पर आप देख रहे हैं, देखते हैं, आपने देखा 10^11 लिखा हुआ है, पावर से हमें कोई लेना देना नहीं है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, इसके ऊपर बिल्कुल फोकस करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इस नंबर के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। यहां नंबर देखिए, फिर ये आपके पास लास्ट में आपका जीरो आ रहा है और डेसिमल के साथ आ रहा है, अगर डेसिमल के साथ आता है तो ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका सिग्निफिकेंट होगा, तो यहां पर आपके सिग्निफिकेंट होंगे 3। यहां देखिए ये आपका नंबर है और ये आपके पास में ट्रायलिंग है, अब जो ट्रायलिंग में जो है विदाउट डेसिमल जो है जो जीरो होते हैं नॉर्मली वो आपके पास सिग्निफिकेंट नहीं होते, लेकिन यहां पर आपका यूनिट भी लिखा है, तो यूनिट लिखा हुआ है, तो जहां आप स्पेशल केस कह रहे थे ये उसका केस है, तो यहां पर आपके जीरो भी आपके सिग्निफिकेंट काउंट होंगे, तो यहां पर हमारा सिग्निफिकेंट होगा 4। इस नंबर के अंदर बात करते हैं, सिंपल है, देखने की जरूरत है कि ये ट्रैप वाला केस है, तो जीरो जो है ट्रैप हो गई है 2 इन नंबर के बीच में, तो ये भी आपका सिग्निफिकेंट होगा, तो यहां पर सिग्निफिकेंट आपका बना 4। यहां देखिए, यहां पर आपके पास दो दो रूल लग रहे हैं, तीन तीन रूल लग रहे हैं, लेफ्ट में आप देखिए इधर की साइड में जो है आपके पास में लीडिंग जो है आपके जीरो है और ट्रायलिंग भी आपके जीरो है और डेसिमल भी लगा हुआ है, डेसिमल लगा हुआ है तो आपके पास ये सिग्निफिकेंट होंगे, ये वाला जीरो जो है ये जीरो आपका ट्रैप हो गया है इसलिए ये भी काउंट होगा, इसका मतलब है यहां से लेके यहां तक आपका सिग्निफिकेंट होगा, तो ये आपके काउंटिंग करिएगा 1, 2, 3, 4, 5, तो इसमें सिग्निफिकेंट हो गया आपके 5। स्टूडेंट अब हम बात करेंगे राउंडिंग ऑफ करने की, तो राउंडिंग ऑफ करने की हमें जरूरत क्या पड़ती है, जब हम कभी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें हमारे पास रिजल्ट आते हैं और वो रिजल्ट जो आते हैं वो हमारे बहुत वेरिएशन होता है उसमें, तो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू होती है, उनको एक सर्टेन फिक्स रिजल्ट बनाने के लिए हमें उसे राउंडिंग ऑफ करना होता है।
तो राउंडिंग ऑफ करने में क्या होगा कि आपको पता होगा कि मुझे ये 2 डिजिट तक आंसर देना है या 1 डिजिट तक आंसर देना है, तो हम उसमें बात करेंगे और फिर वहां हम राउंडिंग ऑफ का रूल लगाते हैं। मैं जो एग्जाम्पल लूंगा उसमें राउंडिंग ऑफ डेसिमल के 1 डिजिट तक के एग्जाम्पल आपको दिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं कि सबसे पहले हम राउंडिंग ऑफ कैसे करेंगे। तो देखिए, हमने जो आज से पहले रूल पढ़ा हुआ है वो ये पढ़ा हुआ था कि जहां मुझे राउंडिंग ऑफ करना है उस जगह एक लाइन ड्रॉ करते हैं, उससे नेक्स्ट नंबर देखते हैं कि 5 या 5 से ज्यादा है तो हम वहां से एक बढ़ाते हैं या घटाते हैं। आज हम उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे क्या है। तो हमने क्या करा है, अगर मेरा नंबर 5 से कम है, दूसरा केस क्या हो गया, 5 से ग्रेटर होगा। एक हमारा 5 से लेस हो गया, 5 से ग्रेटर हो गया। तो हमें क्या करना है, प्रीसीडिंग जो नंबर होगा उसमें कोई चेंज नहीं होता अगर लेस है, अगर ग्रेटर है तो उसमें क्या करते हैं, 1 प्लस करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में कैसा है, हमारे पास ये है 8.72। अब हमने क्या कहा था कि हम करना चाहते हैं 1 डिजिट तक, तो 1 डिजिट पर जाकर के हमने नंबर ड्रॉ करा और ये नंबर चेक किया। इस नंबर की बात कर रहे हैं, ये नंबर आपका लेस देन 5 है, लेस देन 5 है तो यहां पर हम कोई चेंज नहीं करेंगे, तो हमने इसको राउंडिंग ऑफ करके आंसर लिखा ही। सेम एज एग्जाम्पल मेरे पास यहां पर है, तो मैं राउंडिंग ऑफ करना चाहता हूं डेसिमल के 1 प्लेस तक, तो डेसिमल का 1 प्लेस के बाद का जो नंबर है मैं इसको चेक कर रहा हूं और ये आपका लेस देन 5 है, तो ये नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं अगर ये नंबर आपका 5 से ज्यादा होता तो क्या होता, तो हमारे पास ये होता। देखिए, यहां पर मैं डेसिमल के 1 प्लेस तक आपका राउंडिंग ऑफ करना चाहता हूं, तो यहां मैं इस नंबर को देखेंगे, ये नंबर क्या है, ये नंबर आप देखेंगे दिस इज द ग्रेटर देन 5। अगर ये ग्रेटर देन 5 है तो हम क्या करेंगे, ये जो इसका पहला नंबर है इसमें हम 1 प्लस कर देंगे, तो 1 प्लस करके मेरे पास ये राउंडिंग ऑफ नंबर बन जाएगा। अब यहां देखते हैं एक और एग्जाम्पल कि यहां पर देखिए 12.79 है, मैं यहां 1 डेसिमल तक इसका राउंडिंग ऑफ करना चाहता हूं, तो इस नंबर की बात कर रहे हैं। ये नंबर अगर मेरा ग्रेटर देन 5 है तो मैं क्या करूंगा, यहां पर हम 1 प्लस कर देंगे और ये मैंने इसका राउंडिंग ऑफ कर दिया। मुश्किल यहां नहीं है, मुश्किल ये है कि अगर ये एग्जैक्टली 5 पर ही होता तो मैं क्या करता, 5 पर होता तो इस रूल को लगाऊं या उस रूल को लगाएं, तो उसके लिए हम देखते हैं कि हम क्या करेंगे। हम बात कर रहे हैं राउंडिंग ऑफ करने की। हम देखते हैं कि अगर हमारा जहां पर हम राउंडिंग ऑफ करना चाह रहे हैं वहां पर एग्जैक्टली 5 आ जाता है। अभी हम बात कर रहे थे कि 5 से ग्रेटर है, 5 से लेस है, अगर 5 आ जाए तो क्या होगा। तो देखिए, यहां पर हमने यहाँ केस बनाया है कि अगर हमारे पास 5 है तो हम क्या करेंगे। तो 5 वाले केस में क्योंकि हम राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं 1 डिजिट तक, डेसिमल के 1 पॉइंट तक, तो डेसिमल के 1 पॉइंट तक हम कर रहे हैं, तो हमारे सामने देखिए यहां पर 5 है। अब मुझे देखना है कि 5 है तो क्या करें, तो 5 से आगे देखिए, तो 5 से आगे अगर हमारे पास में जो है नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो है तो प्रीसीडिंग जो डिजिट है उसको 1 इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि यहां पर 3 का हम क्या करेंगे, 4 कर देंगे। तो हमने क्या करा, इसका ये बना दिया है और ये हमारा राउंडिंग ऑफ हो गया। सेम एज हम देखते हैं कि हमारे पास में 18.159 है, डेसिमल के 1 प्लेस तक जाना चाहता हूं, तो ये नंबर मेरा 5 है, एग्जैक्टली 5 है। अगर ये 5 से ग्रेटर होता, लेस होता तो इनसे पहले हम बात कर चुके थे, लेकिन ये एग्जैक्टली 5 है, तो 5 है तो मुझे आगे देखने की जरूरत है। तो ये आपका नॉन जीरो नंबर है, नॉन जीरो नंबर है तो इससे जो प्रीसीडिंग नंबर है उसको 1, उस डिजिट को 1 इंक्रीज कर देंगे और ये हमारे पास बन जाएगा आपका राउंडिंग ऑफ। अब हम देखते हैं अगर ये नॉन जीरो के बजाय जीरो ही होता तो क्या होता। तो जीरो है तो उसके 2 केस होंगे, हम उससे जहां हमारा नंबर है उससे एक पहले देखेंगे और उसमें भी हमारे 2 केस होंगे, एक या तो वो आपका प्रीसीडिंग नंबर इवन होगा या फिर हमारा प्रीसीडिंग नंबर ओड होगा। कैसे होगा उसको हम देखते हैं, अगर मेरा इवन है तो कोई चेंज नहीं करूंगा, ओड है तो 1 प्लस करेंगे। अब हम यह देखते हैं कि किस तरीके से, अभी मेरे पास नंबर है 3.450, तो मैं इसी की बात कर रहा था कि मेरे को 1 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है तो मैं 1 डिजिट तक राउंड ऑफ करूंगा, तो मैंने देखा ये 5 है, लेकिन 5 के बाद में आप देख रहे हैं कि 0 है, तो 0 है, अगर ये 0 नहीं होता तो मैं पहला रूल लगाता, अब ये 0 आ गया, तो 0 आ गया तो इसका मतलब है कि मेरे को 5 से पहले इस नंबर को देखना है, ये नंबर कैसा है। अब ये नंबर मैं देख रहा हूं दिस इज द इवन नंबर, अब ये इवन नंबर है तो हम क्या करेंगे, नो चेंज, तो इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया और राउंड ऑफ कर दिया हमने ऐसे। अब हम इस नंबर को देखते हैं, यहां पर देखिए 3.45, लेकिन इसका कुछ भी नहीं है, जहां कुछ भी नहीं है तो आप एज्यूम करके चलिए कि वहां पर 0 है, तो आप इसमें भी बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। तो यहां पर आप देखेंगे 5 और इससे पहले आप नंबर देखिए, ये आपके पास में इवन नंबर है, इवन नंबर है तो हम यहाँ पे कोई चेंज नहीं करेंगे, तो हमारे पास ये इसका राउंड ऑफ ऐसे हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि अगर ये प्रीसीडिंग नंबर हमारा ओड होता तो क्या होता। देखिए, यहां पर हमारे पास एग्जाम्पल है 4.350,
तो मेरे को राउंडिंग ऑफ डेसिमल के 1 प्लेस तक करना है। यहां पर मैं देख रहा हूं कि 5 है, 5 के बाद 0 भी है, लेकिन 5 से पहले मैंने इस नंबर को देखा, तो ये नंबर मेरे पास क्या है, ये नंबर हमारे पास है ओड नंबर। अब ये ओड नंबर है तो क्या करेंगे, हम इस नंबर में 1 प्लस कर देंगे और हमारा राउंड ऑफ करके बन जाएगा ये। तो हम इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं और बात करते हैं। हम राउंडिंग ऑफ सीख चुके हैं, राउंडिंग ऑफ का न्यूमेरिकल कैसा आएगा? राउंडिंग ऑफ में फिलहाल हम देखते हैं कि एडिशन करेंगे और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो उस टाइम पर राउंडिंग ऑफ कैसे होगा। तो हम देखते हैं एग्जांपल, हमारे पास यहाँ पर है सम ऑफ द 3 मेजरमेंट, हमारे को 3 मेजरमेंट दिए हुए हैं। ये हमारे पास 3.1 मीटर, 2.78 मीटर, 3.046 मीटर, इनको हमें सम करने के लिए कहा गया। तो सिंपली हमने ऐसे रखा और इसको एड ऑन कर लिया, एड ऑन करने के बाद हमारा रिजल्ट आया ये। लेकिन अब मुझे देखना है कि इसका राउंडिंग ऑफ क्या करना है, क्योंकि हर एक में आपको बताएगा राउंडिंग ऑफ 3 नंबर डिजिट तक करिए, 4 डिजिट तक करिए, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में आपको राउंडिंग ऑफ में डिजिट नहीं बताया होगा। यहाँ आपको कैसे देखना है, यहाँ देखना है जो आपका डेटा है उसमें देखिए कि आपका जो गिवन है डेसिमल का मिनिमम कितना है, डेसिमल का 1 प्लेस तक है, तो मुझे राउंडिंग ऑफ भी इसको डेसिमल के 1 प्लेस तक करना है। तो डेसिमल का 1 प्लेस तक राउंडिंग ऑफ करूंगा तो इसका राउंडिंग ऑफ ये आ जाएगा। सारे रूल हमने जो पढ़े वो लगा देंगे कि ये 5 है, 5 से कम है तो हमने कोई चेंज नहीं किया, सेम एज लगा दिया। एक एग्जांपल और देखते हैं कि अगर माइनस करना है तो मेरे पास 2 डिजिट दिए हुए हैं, 72.587 मीटर एंड एक और मेजरमेंट है 72.5 मीटर। इसमें हमें कह रहा है कि डिफरेंस फाइंड करना है, तो डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमने इसको सिंपली माइनस कर दिया। अब हमें ये देखना है कि इसका राउंडिंग ऑफ क्या करेंगे, तो हमारा रिजल्ट ही आया। अब राउंडिंग ऑफ में हम क्या देखेंगे कि जो हमारे पास डेटा है उसमें देखना है कि किसी भी जो डेटा है उसके अंदर डेसिमल का मिनिमम कहां तक है। तो मिनिमम यहां देखिए आपका 1 डिजिट तक है, इसका मतलब मुझे राउंडिंग ऑफ भी 1 डिजिट तक ही करना है। तो जब मैं इसको 1 डिजिट तक राउंडिंग ऑफ करूंगा तो मेरा आंसर कुछ इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि मल्टीप्लाई और डिवीजन अगर कर रहे हैं तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कैसे लगाने हैं। तो देखते हैं हम एग्जांपल, तो सबसे पहले देखते हैं प्रोडक्ट के लिए। तो हमारे पास एक क्वांटिटी दिया हुआ है x 3.8, y दिया हुआ है 0.125, और करना क्या है हमें इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है, और प्रोडक्ट फाइंड करना है सिग्निफिकेंट फिगर के साथ करना है। तो हमने देखा कि इन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर लिया, सिंपली मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर ये आ गया। अब हमने देखना है कि जो हमारे पास दोनों डेटा दिए हुए हैं उसमें से सिग्निफिकेंट फिगर देखनी है और किसकी सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम है। तो आप देखिए कि यहाँ पर इसकी सिग्निफिकेंट सबसे कम है, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर आपको देखनी है। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आपकी 2 है, तो मेरे को आंसर भी कितना देना है, वो मेरे को 2 सिग्निफिकेंट फिगर के साथ देना है। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर के साथ मेरे को यहां पर देना है ये। तो इसमें क्या होगा, अब इससे आगे हम देखेंगे 5 है तो या 5 या 5 से ज्यादा, ओड इवन हम सारी चीज देख लेंगे। तो ये 5 है और यहाँ पर ये आपका ओड नंबर है, तो हम क्या करेंगे इसको एड ऑन कर लेंगे और यहाँ पर इसका हम आंसर लिख देंगे, ये हमारे पास सिग्निफिकेंट में हो गया। अब देखते हैं डिवीजन की बात करते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मास ऑफ द सब्सटेंस दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, डेंसिटी आपसे पूछना चाहता है, इसका मतलब सिंपल आपसे डिवीजन कराना चाहता है। फॉर्मूला लिखा, सिंपली हमने उसको रखा और डिवाइड कर लिया, आंसर देखिए हमारा इतना बढ़िया आ गया। अब हमने क्या करना है, हमने देखना है कि इन दोनों डिजिट के अंदर में सिग्निफिकेंट फिगर देखने हैं। तो ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है वहां पर आपके सिग्निफिकेंट कितने होंगे, आपने पढ़ा हुआ है 5 होंगे, यहां पर कितने होंगे 3 होंगे। तो जो आपका सिग्निफिकेंट मिनिमम है, आंसर भी मेरे को मिनिमम सिग्निफिकेंट में लगाना है। तो देखिए हमारा मिनिमम सिग्निफिकेंट कितना है, 3 है, तो अब मैं इसको क्या करूंगा 3 के साथ ही रखेंगे। तो हमारा यहां तक आपका 3 सिग्निफिकेंट हो जाएगा और फिर हम उसके साथ में अपना देख लेंगे। तो इसके सामने आपका 5 है, दैट इज ग्रेटर देन 5, तो इसके इस नंबर को हम क्या करते हैं 1 इंक्रीज कर देते हैं, इसलिए हमने यहां पर इसका आंसर इस तरीके से पुट कर लेंगे। एक्यूरेसी के लिए हम बात करते हैं, तो एक्यूरेसी को देखते हैं द क्लोजनेस ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द ट्रू वैल्यू। तो जो हम मेजर कर रहे हैं वो ट्रू वैल्यू के कितने नियर बाई है उसकी बात करते हैं, तो वो हमारा एक्यूरेसी को डिफाइन करता है। ठीक है, इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, अगर हम एरर को रिड्यूस करते हैं तो ये हमारा रिड्यूस हो जाता है, मोर एक्यूरेट हो जाएगा। बात करते हैं प्रिसिजन के। प्रिसिजन में क्या होगा कि ये डिटरमाइन होता है लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जितना ज्यादा यानी कि हमारा लीस्ट काउंट जितना हमारा छोटा होगा उतना ही ज्यादा हमारा जो ग्रेटर प्रिसीजन होगा। एग्जांपल देखते हैं हम, तो दोनों का डिफरेंस हम समझेंगे। हमारे इस एग्जांपल में मास ऑफ ए पीस मेटल दिया हुआ है और इसकी हमें ट्रू वैल्यू दी हुई है,
ट्रू वैल्यू है 0.520 ग्राम। अब हमारे पास तीन अलग अलग स्टूडेंट हैं, उन लोगों ने इसका मास कैलकुलेट किया है और मास कैलकुलेट करके उस अपना रिजल्ट बनाया है। तो हमारा स्टूडेंट ए है, स्टूडेंट ए ने पहला मेजरमेंट किया, दूसरा मेजरमेंट किया और तीसरा मेजरमेंट किया। हमने क्या किया, इन तीनों मेजरमेंट का एवरेज वैल्यू भी निकाल लिया। अब हम इसमें देखते हैं कि ए का हुआ क्या। ए का हम कहते हैं ना तो ये बहुत ही प्रिसाइज है ना ही ये एक्यूरेट है। प्रिसाइज आप देखिए कि यहां जो हमारे पास जो डेसिमल के 3 डिजिट तक है और जो कैलकुलेशन यहां पे करी गई है वो डेसिमल के 2 प्लेस तक है। अगर मैं एवरेज की बात करूं तो एवरेज भी हमारा काफी डिफर है, इसीलिए हमारा ए का जो डेटा है ये ना तो आपका प्रिसाइज है ना ही एक्यूरेट है और एवरेज भी हमारा एक्यूरेट नहीं आ रहा है। बी वाले को देखते हैं, बी वाले ने जो आंसर निकाला है उसका आंसर हमारे पास है 0.51, 0.515, 0.514। ये तीनों डिजिट हमारे पास आ गई और इनका एवरेज निकाला। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास डेटा है ये प्रिसाइज है, प्रिसाइज है, लेकिन जो एवरेज है वो आपका ट्रू वैल्यू से काफी डिफर है। लेकिन प्रिसाइज कैसे है, ये स्लाइटली आपस में एक दूसरे से स्लाइटली चेंज कर रहे हैं। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे के क्लोज है इसलिए हमको प्रिसाइज बोल रहे हैं। और इसका जो डेसिमल पॉइंट है वो भी 3 तक लेके जा रहे हैं, लेकिन जो एवरेज है वो ट्रू वैल्यू से अभी डिफर है। थर्ड स्टूडेंट ने जो हमें कैलकुलेट करके दिया है वो आंसर हमें निकाल कर दिया है 0.521, 0.520, 0.520। ये तीनों डेटे हमारे पास थे, एवरेज निकाला ये आ गया। तो हम तीसरे स्टूडेंट को क्या कह रहे हैं, ये हमारा है प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हमें जो है एक्यूरेसी और प्रिसाइज की ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकती है। हमने यहाँ पे 3 फिगर बनाई है और ये 3 फिगर जो है ये वो है जो कि हमारे स्पोर्ट्स में यूज होती है और ये निशाना लगाने के लिए हमारे को दी जाती है। तो ये हमारे पास 3 स्टूडेंट हैं, 3 कैंडिडेट है, 3 खिलाड़ी, उन्होंने लगाया और उनके पास 3 3 शॉट है। पहले जो कैंडिडेट है उसने शॉट किया और उसने यहां पर शॉट किया बिल्कुल सेंटर में, और करना भी कहां होता है, सेंटर में करना होता है। दूसरा शॉट किया वो भी उसने यही सेंटर पे किया, तीसरा कहां किया वो भी सेंटर पे किया। तो हम इस खिलाड़ी के जो शॉट है इसको हम कहते हैं एक्यूरेट, ये हमारा एक्यूरेट है क्योंकि ये बिल्कुल जहां चाहिए था वही है, उसके आसपास में। अब ये दूसरा जो कैंडिडेट है उसने क्या करा, एक शॉट दिया और उसने शॉट लगा दिया इस रेंज पर, उसे दूसरा शॉट दिया वो भी उसने यहीं पर लगा दिया, तीसरा शॉट दिया उसने वो भी ये लगा दिया। अब हम क्या देख रहे हैं, ये एक्यूरेट तो नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, लेकिन जहां वो लगा रहा था वो अपने आसपास लगा रहा था, यानी कि जो जहां लगा रहा वो एक ही जगह पर लगा रहा है। तो ये आपस में जो है ये प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। तीसरा कैंडिडेट जो है उसने कैसे लगाया, एक शॉट उसने यहां लगाया, एक शॉट उसने यहां लगा दिया, एक शॉट उसने यहां लगा दिया। तो आप देखिए क्या हो रहा है, ना ही तो ये एक्यूरेट है ना ही ये प्रिसाइज है।